अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, एंड देन हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग्स जो होते हैं उनकी हम जो है वो इनपुट जो है वो कैसे लेते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो उसके लिए हम व्यू स्टूडियो कोड में चलते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग जो है वो क्या होता है। सो स्ट्रिंग जो है वो एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसको हम जो है वो डबल कोटेशंस के अंदर जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड जो मैं लिख लेता हूँ, तो ये वाला जो मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। तो जब भी हम कोई डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको हम जो है वो स्ट्रिंग बोलते हैं या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट जो है वो बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी जो है वो हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम सी प्लस प्लस के अंदर अगर हमें स्ट्रिंग बनाना है तो उसको हम जो है वो कैसे बनाते हैं। सो जो स्ट्रिंग होती है उसको हम एक कैरेक्टर्स की जो एरे होती है उसके अंदर जो है वो स्टोर करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो सबसे पहले कैरेक्टर टाइप की एक एरे बनाते हैं, एंड देन उसके अंदर जो है वो हम स्ट्रिंग को जो है वो स्टोर करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रिंग डिक्लेरेशन जो है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम जो है वो लिख लेते हैं कैरेक्टर, एंड देन उसके बाद जो हमने स्ट्रिंग का नाम रखना है हम वो रख लेते हैं इस कैरेक्टर एरे का, एंड देन उसके बाद जो है वो हम जो उस कैरेक्टर एरे है उसकी जो है वो हम लेंथ स्पेसिफाई जो है वो कर देते हैं। सबसे पहले जो है वो हम कैरेक्टर डेटा टाइप, क्योंकि हम स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर एरे का यूज़ करते हैं, तो कैरेक्टर, एंड देन उसके बाद जो हमने स्ट्रिंग का नाम रखना है या एरे का नाम रखना है वो, एंड देन उसके बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लेंथ स्पेसिफाई जो है वो कर देते हैं। एंड देन अब हमने जो है वो इसको इनिशलाइज जो है वो करवाना है, तो वो भी हम जो है वो इसी जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इसी वक्त हम इसको जो है वो इनिशलाइज भी जो है वो करवा सकते हैं। तो इनिशलाइजेशन के लिए हम जो है वो डबल कोट्स को जो है वो यूज़ करते हैं अगर हमने कोई स्ट्रिंग जो है वो बनाना हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई मैं छोटा सा स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी प्लस प्लस इज लव। तो ये एक हमारा जो है वो स्ट्रिंग जो है वो बन गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक कैरेक्टर टाइप की एरे बनाई, एंड देन उसके अंदर हमने जो है वो इस स्ट्रिंग को जो है वो स्टोर करवा दिया। सो जो स्ट्रिंग जब भी हम बनाते हैं तो जब वो कंपाइलर जब जहाँ पर भी ये सेव होता है तो जो कंपाइलर होता है वो इसके आगे नल करेक्टर जो है वो लगा देता है। नल करेक्टर को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट के ज़रिए लिख लेता हूँ /0 से जो है वो हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन इसको हम बोलते हैं नल करेक्टर। सो जब भी हमारा जो स्ट्रिंग टर्मिनेट होता है जो कंपाइलर होता है वो इस आगे ऑटोमेटिकली जो है वो नल कैरेक्टर को जो है वो प्लेस कर देता है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो यहाँ पे जो है वो एंड हो गया है, एंड देन यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। तो ये पहला तरीका है कि हम जो है वो स्ट्रिंग को इस तरह से जो है वो इनिशलाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे जो है वो एरे की कोई लेंथ जो है वो स्पेसिफाई जो है वो ना करें, देन यहाँ पे इसी तरह डबल कोट्स के अंदर जो है वो हम कोई भी जो है वो स्ट्रिंग जो है वो लिख दें। तो मैं यहाँ पे कोई नाम जो है वो लिख लेता हूँ। तो ये जो है वो दूसरा तरीका है स्ट्रिंग का जो है वो इनिशियलाइज करवाने का। सो अब हमने अभी तो हमने देखा है कि हमने किस तरह से हम जो है वो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने जो है वो यूज़र से इनपुट लेनी है स्ट्रिंग के अंदर, तो अब हम देखते हैं कि वो हम किस तरह जो है वो लेते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम तीन मेथड्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो सिंपल मेथड है वो हम सी इन के ज़रिए जो है वो इनपुट ले सकते हैं, एंड देन इसके बाद एक दूसरा फंक्शन है उसको हम बोलते हैं सी इन डॉट गेट लाइन, एंड देन इसके अंदर जो है वो हम आर्ग्यूमेंट जो है वो पास करते हैं। एंड देन इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है सी इन डॉट गेट। तो अब हम इनको जो है वो बारी बारी देखते हैं कि हम इनके जो है वो इनको यूज़ करके कैसे जो है वो स्ट्रिंग की इनपुट जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो सी इन के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मैंने इनको इनिशियलाइज करवाया है मैं इनको इनिशियलाइजेशन जो है वो मिटा देता हूँ, इसको मैं नेम वाली कैरेक्टर नेम वाले एरे को जो मैं मिटा देता हूँ। तो हम जो स्ट्रिंग जो मैंने पहले बनाई थी str के नाम से एरे कैरेक्टर की, इसके अंदर जो है वो हम जो है वो इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट के बारे में। सो सी इन जो है वो हमको पता है कि हम
इनपुट लेने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, किसी भी डेटा टाइप के लिए हम जो है वो सी इन का जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन स्ट्रिंग के केस में ये होता है कि अगर हम सी इन के ज़रिए जो है वो इनपुट लेते हैं एंड देन हम जो है वो कोई इनपुट देते हुए अगर हम कोई स्पेस का बटन जो है वो दबा देते हैं, तो उससे पहले वाली जो स्ट्रिंग होती है वही जो है वो सिर्फ सेव होगी। जो स्पेस के बाद जो वाली स्ट्रिंग होगी वो अगर हम सी इन के ज़रिए इनपुट लेते हैं तो वो जो है वो यूज़ नहीं होगी। एंड देन उसके बाद जो वैल्यूज़ होंगी मतलब स्पेस के बाद वो वाली वैल्यूज़ जो है वो इग्नोर हो जाएंगी। तो इसको हम जो है वो एग्जांपल के ज़रिए जो है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सी आउट के ज़रिए जो है वो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, इंटर आ स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो लिख ली एंड देन यहाँ पे मैं सी इन के ज़रिए जो है वो मैं इनपुट जो है वो ले लेता हूँ। सो मैं अब जो है वो सी आउट कर देता हूँ एस टी आर को, क्योंकि जो हमें जो आउटपुट मिले वो हमें वापस से जो है वो दोबारा प्रिंट भी हो जाए। सो अब मैंने यहाँ पे जो ये सिंपल सा सी इन का जो है कोड लिख लिया यूजिंग सी इन। तो अब मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो स्पेसिफाई जो है वो करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो एंड देन उसके बाद मैं स्पेस डाल देता हूँ, तो एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सो अब मैं इसको जो है वो इंटर करूँगा तो हमें यहाँ पे सिर्फ जो है वो हेलो प्रिंट हुआ है। तो सी इन के ज़रिए हमने इनपुट लिया तो यहाँ पे हमने स्पेस ऐड की, तो इसने जो है वो स्पेस के बाद हमने जो भी इनपुट दी थी तो इसने जो है वो इग्नोर कर दिया। तो सी इन का ये एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर हम जो है वो स्पेसेस जो है वो ऐड नहीं कर सकते। सो अगर हमने स्पेसेस अगर ऐड करवानी है तो उसके लिए हम सी इन डॉट गेट लाइन जो फंक्शन है हम इसका जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो मैं ये यहाँ पे मैं सी इन की स्टेटमेंट जो है मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ सी इन डॉट गेट लाइन एंड देन सबसे पहले इसके अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो हमने जो कैरेक्टर टाइप की एरे बनाई है उसका नाम जो है वो पास करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा आर्ग्यूमेंट पास होता है वो हम उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे जो है वो पास जो है वो करवा देते हैं। सो अब मैं दोबारा से अपने कोड को जो है सेव किया मैं कंट्रोल एस से एंड देन मैं यहाँ से इसको फिर से रन करता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड देन अब ये देखें कि मैंने इसके अंदर जो है वो स्पेस भी जो है वो ऐड की है। तो मैं अभी यहाँ से इंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो पूरा स्ट्रिंग है वो प्रिंट हुआ हुआ, जो हमने इनपुट की थी वो हमें जो है वो इसी तरह जो है वो मिल गई। तो अगर हमने जो है वो स्पेसेस ऐड करनी है अपने स्ट्रिंग के अंदर तो उसके लिए जो सबसे इफेक्टिव भी है कि हम सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करके इनपुट लें स्ट्रिंग की। अब इसके बाद जो तीसरा फंक्शन है वो है सी इन डॉट गेट। तो सी इन डॉट गेट के ज़रिए जो है वो हम एक सिंगल कैरेक्टर की ही जो है वो इनपुट जो है वो ले सकते हैं, मतलब हम इसके ज़रिए स्ट्रिंग की इनपुट जो है वो नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ पे एक जो है वो कैरेक्टर बना देता हूँ कैरेक्टर सी के नाम से और देन ये वाला जो मेरा कोड है इसको मैं जो है वो कमेंट कर देता हूँ। अब जो है वो हम सी इन डॉट गेट का जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ इंटर आ कैरेक्टर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एंड देन अब इसके बाद जो है वो हम सी इन डॉट गेट फंक्शन है उसके ज़रिए हम जो है वो इनपुट लेते हैं। तो उसके हम जो है वो सिंपली सबसे पहले सी इन डॉट गेट लिखते हैं एंड देन इसके बाद जो हमारा वेरिएबल होता है हम उसका जो है वो नाम लिख लेते हैं एंड देन मैं इसी स्टेटमेंट को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैरेक्टर इज एंड देन यहाँ पे मैं जो कैरेक्टर है मैं उसको जो है वो प्रिंट जो है वो करवा देता हूँ। सो मैं अब इसको यहाँ से जो है वो रन करता हूँ तो हम जो है सिंपली एक कैरेक्टर ही इसके अंदर जो है वो इनपुट जो है वो कर सकेंगे। सो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर जो है वो इनपुट देता हूँ बी, तो हमें यहाँ पे जो है वो बी दोबारा से जो है वो प्रिंट हुआ हुआ। तो ये तीन तरीके हैं, सबसे पहला है कि सी इन के ज़रिए हम इनपुट लें, लेकिन इसके अंदर यह है कि हम अगर स्पेस डाल देते हैं तो उसके बाद वाली जो वैल्यूज़ होंगी या कैरेक्टर्स होंगे वो हमें नहीं मिलेंगे, वो इसको जो है वो इग्नोर कर देता है। तो सबसे इफेक्टिव ये है कि हम सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करके जो है वो स्ट्रिंग की जो है वो इनपुट लें, देन सी इन डॉट गेट के ज़रिए हम सिर्फ कैरेक्टर की जो है वो इनपुट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा कि हम स्ट्रिंग किस तरह बनाते हैं एंड देन हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करके इनपुट कैसे लेते हैं स्ट्रिंग की। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।